अनुज, आपका उमा प्रेम नेत्रालय में लैसिक हुआ। ऑपरेशन के पहले जैसे आपने सोचा था कि हम लोग एकदम सबसे थिनेस्ट फ्लैप 90 माइक्रोन होता है उस तरह बनाएं, और ऑपरेशन के दौरान हमने जो किया, और आज ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप डे वन है हम लोग का, और आपकी रोशनी 6/6 आ गई है, तो आपका क्या फील रहा है एक उमा प्रेम नेत्रालय के साथ? जो आपने सोचा वो मिला या नहीं मिला, उसके बारे में लोगों को? मैं यहाँ पे 19 जून को विजिट किया था, फिर उसके बाद सर से कंसल्ट किया। सर ने मुझे बताया कि आपका फ्लैप जो क्रिएट करेंगे वो 19 माइक्रोन के अप्रॉक्सीमेट क्रिएट करेंगे। फिर मैंने यहाँ के स्टाफ से भी कंसल्ट किया। यहाँ पे स्टाफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था, उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, कई बार चेकअप्स किए आँखों के, जो भी टोपोग्राफी टोमोग्राफी जो भी होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर सर ने भी मुझे लगभग 15 मिनट काउंसलिंग की, लगभग 15 मिनट काउंसलिंग की ऑपरेशन से पहले, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एक वीक आज हो गया है, मेरी रोशनी 6/6 है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं आगे भी मेरी हमेशा देखेंगे आगे। और क्या आप उमा प्रेम नेत्रालय से खुश हैं हमारी सर्विसेज से? बिल्कुल सर, मैं तो काफ़ी लोगों को कंसल्ट करूँगा, और मेरी सिस्टर भी है, उसको भी मैं हो सके तो 2-4 महीने बाद लेके आऊँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच अनुज।